एक हकीकत है ये आलम के नज़र का धोखा अपने दानाओं ने मुश्किल की गिरा क्या खोली फ़न गवास पे लिख डाली किताबें लेकिन दिले दरिया में नहीं की है कभी गवासी बेसतु तीशे की ज़रिएत मुसलसल से तोड़ फुरसत जीस्त है कम और है गुर्दू दो रंग अहल हकमत को तफक् के गमो पेच में छोड़ के शरर जिससे निकलता है वो तीसा है कि संग हाथ से छोड़ ना एक पल भी तमन्ना का चिराग मस्ती और शौख की दुनिया में मकाम ऊंचा कर रहना जा वसत आफाक में तू गुम होकर खुद से आगाह हो आलम को बाला कर दिल दरिया को किया तू ने सुकू गाना इसकी आगोश में है गहरे यकदाना तू अपनी बेताबी की ए मौजे नगहदारी कर कहे दरिया के लिए जीनत काशाना तू दो जहां तेरे हैं तू खुद से अगर महरम हो आप अपने से नहीं चाहिए छुपना हरगज आज कैसा है तेरा कल के उजाले में देख टूटता कल से नहीं आज का रिश्ता हरगज़ इकबाल कह रहे हैं जो कुछ तू देख रहा है वजूद है या नमूद है यानी इस कायन का वजूद हकीकी है या गैर हकीकी हमारे फ़लसफ़ी ने इस ज़मन में कैसी कैसी मुश्किलें हल की हैं यानी वह इस मसले को हल नहीं कर सका इस फ़लसफ़ी या इन फलसफ़ियों की मिसाल तो उस शख़्स की सी है जिसने फ़न गवासी पर तो किताब लिख दी है लेकिन ख़ुद कभी दरिया में नहीं उतरा यानी ये फ़लसफ़ी इस कायनात के बारे में तो बहुत कुछ कहते और लिखते हैं लेकिन वह अपनी मार्फ़त ही से बेगाना है तो ऐसे लोगों के नज़रियात क्यों कर सही औरबिल कबूल होंगे तू अपनी कुल्हाड़ी की ज़रब से पहाड़ को तोड़ डाल इसलिए कि फ़ुर्सत कम है और आसमान फरेबी है जिस तरह फरहाद ने खुशरू परवेज़ के हुक्म पर नहर निकाल ली थी इसी तरह अपनी मुसलसल जद्दोजहद से अपनी मुश्किलात के पहाड़ पे ज़रबे लगा अपने दिल से हकीकत व मार्फत की नहर जारी कर और इस अमल में देर ना कर क्योंकि गर्दिश अफलाक खुदा जाने क्या रंग लाए तू फ़लसफियों को इस सोच में डूबा रहने दे कि चिंगारी कोल्हाड़ी से उठती है या पत्थर से यानी तू उन्हें इस कस्म की बेकार बहसों में उलझा रहने दे और अपनी दिल की गहराइयों में डूब कर खुद अपनी खुदी और मारफत और हकीक़त तलाश कर अपने हाथ से आरज़ू का चिराग मत नीचे कर और हा ओहू हू का मुकाम हासिल कर यानी अपनी खुदी और मार्फत हासिल करने के लिए आला मकसद को तर्क ना कर और इसके लिए ख़ुद में इश्क की बेकरारी पैदा कर ले तो इस दुनिया के चार अतराफ़ में गुम ना हो जा यानी इस दुनिया का होकर ना रह जा बल्कि इन चार तरफों को तोड़कर अपने आप में लौट आ असल मकसद अपनी मार्फत का हसूल है तेरी तमाम तरतव उस मकसद पे होनी चाहिए और इसके लिए दुनियावी बखेड़ों से आज़ाद होना ज़रूरी है इस कायनात के समंदर का दिल तेरी यानि इंसान की वजह से सुकून से महरूम है यानि इस कायनात की सारी रौनकें इंसान ही के दम से हैं और इसकी जेब में कीमती मौती तेरी बदौलत हैं इस दुनिया की सारी खूबियाँ और रौनकें इंसान के दम से हैं सवाए मौज यानी इंसान तो अपनी बेकरारी की हिफाज़त कर क्योंकि समंदर की सारी दौलत तेरे दम से है यानी तू अपनी मारफत हासिल करके इस दुनिया में आला मुकाम पर पहुंच जा इस दुनिया में खोकर अपनी मार्फत से बेगाना हो जा। और बेगाना हो जाना तेरी शान के ख़िलाफ़ है दोनों जहानों को अपनी तरफ़ खींचना चाहिए और अपनी जानब यानी अपनी मारफत से दूर भागना ना चाहिए मतलब ये है कि दोनों जहां दुनिया और आखिरत पेश नज़र रखना चाहिए और इसके साथ साथ अपनी जात और मारफत के हसूल पर तोज्जो रहनी चाहिए तो माजी के नूर से अपना मुस्तबिल देख इसलिए कि माजी से मुस्बिल को अलग नहीं किया जा सकता यानी अपने माजी की शानदार रिवायात को पेश नज़र रख कर ही अपना मुस्तबिलवारा जा सकता है